हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 4 जुलाई 2020। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीएमआर के मुताबिक भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है कोवैक्सीन। क्या नाम है? कोवैक्सीन। तो इसको लॉन्च किया जा सकता है, जो इसकी संभावना बताई गई है वो है 15 अगस्त तक। कब तक? 15 अगस्त तक इसको लॉन्च किए जाने की संभावना है। किसके मुताबिक? आईसीएमआर के मुताबिक। अब ये आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है। तो आईसीएमआर का आपको सही नाम याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर की स्थापना हुई थी 1911 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि हेडक्वार्टर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। तो पीएसडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है सुमित नागल ने। किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपये का बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। यानी कि जिस भी व्यक्ति के साथ में, जो भी पीड़ित है जिसके साथ में दुर्घटना घट जाती है, उसके लिए कैशलेस योजना लेकर आ रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो ये जो योजना तैयार की जा रही है, इसके तहत जो उसको मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि जो उसको राशि दी जाएगी, वो दी जाएगी 2.5 लाख रुपये। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और अगर हम बात सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बारे में करें, इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने % हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। जो अमेरिकी कंपनी है इंटेल कैपिटल, इसने घोषणा की है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये कितने % की हिस्सेदारी खरीदेगी। तो ये जो खरीदेगी मेरी कंपनी इंटेल, ये खरीदेगी 0.39%। कितना? 0.39%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिगो ने 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने % की छूट देने की घोषणा की है। इंडिगो हवाई कंपनी है, तो 2020 के आखिर तक डॉक्टर जो होंगे, जो नर्स होंगे, उनको जो अगर हवाई यात्रा करनी है तो उनके लिए इसके अंदर छूट दी जाएगी। वो कितने % छूट की घोषणा इन्होंने की है? तो 25% छूट की घोषणा की है इंडिगो ने। किसने की है? इंडिगो ने की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जो वन भूमि का हस्तांतरण होना था, उसका जो प्रस्ताव था, हस्तांतरण का जो प्रस्ताव था, तो उसके लिए किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के लिए सड़कों के विकास हेतु इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी जो दी है, ये दी है उत्तराखंड ने। किसने दी है? उत्तराखंड ने दी है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हालांकि यहाँ पर एक और दूसरी राजधानी, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर होता है कि गर्मियों में दूसरी राजधानी और सर्दियों में दूसरी राजधानी, इस प्रकार यहाँ पर एक और राजधानी बना दी गई है, जो हाल ही में बनाई गई है, जहाँ पर मुख्यालय वगैरह का निर्माण चल रहा है। तो देहरादून है और एक और राजधानी यहाँ पर बना दी गई है, उसको भी आपको याद रखना है। बात अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड के अंदर सरकार है, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। रूस के अंदर एक प्रकार से अगर कहें तो इलेक्शन हुआ, या इस प्रकार से इलेक्शन भी ना कहें तो जनता का जो मत है उसको मांगा गया, जनता से एक प्रकार से मतदान कराया गया कि वे इस राय के पक्ष में नहीं हैं या नहीं है, इस फैसले के पक्ष में हैं या नहीं है। वहाँ पर संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया है, उसको मंजूरी मिली है, जिससे क्या तय किया गया कि व्लादिमीर जो पुतिन हैं, जो वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, वो 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति रह सकते हैं। और जनता का जो अधिकतर जो मत था वो भी इसी पक्ष में था, इसीलिए भी इनकी 2036 तक राष्ट्रपति रहने की संभावना बन गई है। हालांकि जो वहाँ का स्थानीय विपक्ष है और मीडिया है, वो इसको एक प्रकार से एक तानाशाही फैसला बता रहा है। अगर बात हम रूस की करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, इस बात को आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। और वेंकैया नायडू कौन है? वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। और जो नीचे आपको दो और विकल्प दिखाई दे रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो आप सभी जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और ये भी आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं देश के वो कौन है? देश के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हो गए, और वेंकैया नायडू कौन है? ये हैं उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल मास्टर जी नामक शिक्षण सेटअप किसने विकसित किया है? एक मोबाइल मास्टर जी नाम से शिक्षण सेटअप विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। अच्छा, ये शिक्षण सेटअप बनाया क्यों गया है, नाम रखा गया है इसका मोबाइल मास्टर जी, अब इसे बनाया क्यों गया है? इसे बनाया इसलिए गया है, अब लॉकडाउन का समय चल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो सभी बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही है, जो टीचर हैं उनको पढ़ाने के अंदर परेशानी हो रही है, उनके लिए एक प्रकार से सेटअप बनाया गया है। तो जो सेटअप जो विकसित किया है वो क्या है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा मोबाइल मास्टर जी नामक शिक्षण सेटअप विकसित किया गया है। अच्छा, एक बात, आईआईटी कानपुर ने तो इसको विकसित कर ही दिया, लेकिन यहाँ पर कानपुर जो शब्द आया है, कानपुर से आपको जानकारी देते चलें, कानपुर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। बात अगर उत्तर प्रदेश की राज्य की करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? तो फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है किरण रिजिजू ने। किसने किया है? किरण रिजिजू ने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। अब किरण रिजिजू कौन है? तो किरण रिजिजू हैं केंद्रीय खेल मंत्री। कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। नीचे के जो दो विकल्प हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश के, और निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अगर निर्मला सीतारमण के बारे में पूछा जाए तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा वर्तमान में क्या है, तो ये आप ये हैं वित्त मंत्री, इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि जो बीजेपी की सरकार का जो पहला शासनकाल था 2019 वाला, 14 से 19 तक के, उसमें जो निर्मला सीतारमण थी उसके अंदर ये रक्षा मंत्री भी देश की रही हैं। तो आज की जो हमारे करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल सफलता का अड्डा।